1819 में आज ही के दिन सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की खोज की। 1835 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। 1860 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से निकारागुआ को मॉस्क्वीटो तट लौटाया। 1865 में आज ही के दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म हुआ। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। वर्ष 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। 1878 में आज के दिन अमेरिका के न्यू हेवन में पहला टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हुआ। 1887 में आज के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1932 में आज के दिन जापानी सेना ने चीन के शंघाई पर हमला कर दिया। 1935 में आज के दिन आइसलैंड गर्भपात को वैध घोषित करने वाला पहला पश्चिमी देश बना। 1942 में आज के दिन जर्मनी की सेना ने लीबिया के बेंगाजी पर कब्जा किया। 1950 में आज के दिन हीरा लाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। 1961 में आज के दिन HMT घड़ियों की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई। 1986 में आज के दिन 25वें अंतरिक्ष यान चैलेंजर में 10वीं उड़ान भरने के 73 सेकंड बाद ही विस्फोट हुआ। 2010 में आज के दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के पांचों दोषियों को फांसी दी गई।